Hi friends, welcome back to my channel. How are you all doing? I hope you all are doing good. So guys, jo aaj ka video hai, I'm going to talk about some concerns like severe hair fall, hair thinning over the crown area, bald patches, etc. Agar aap mere channel pe naye hain, to please subscribe to my channel. If you are already a subscriber, then do watch till the end and press the like button. So guys, the medicine that I'm going to talk about is a German-based medicine. Homeopathic medicine hai ye. Ye allopathic nahi hai ya phir aisa kuch nahi hai ki aapko side effect iske ho jayenge. You know, homeopathic medicines don't have any side effects. So guys, this is the medicine. It's R89. It's from Dr. Reckweg and Co. It's from Germany. ये ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर यू नो बहुत ही ज़्यादा टॉपिकल एक ही मेडिसिन है इसमें. इट इज़ मेड फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ लाइक जो होते हैं ना कि कंपोनेंट्स, इसके जो कंटेंट हैं उसमें वेरियस थिंग्स इन्होंने मिलाया हुआ है और इसमें 37% अल्कोहल रहता है. तो गाइस, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि ये जो मेडिसिन है ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है हेयर फॉल रिड्यूस करने के लिए. ये हेयर ग्रो करता है बट You have to use it for at least 6 months. लेकिन जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम है इसको ये 15 दिन में ही कट ऑफ करता है. सो यू कैन सी मेरा ऑलरेडी एक बॉटल कम्प्लीटेड है एंड सेकेंड बॉटल पे मैं यहाँ पे हूँ. तो गाइस, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैंने इसको ऑलरेडी 25 डेज हो गए मेरे को यूज़ करते हुए. तो आपका एक बॉटल हार्डली 15 डेज जाएगा क्योंकि आपको 3 टाइम्स इसको यूज़ करना है. तो आई लेटर गो ऑन टू द डोसेज कैसे आपको लेना है. तो इसके फ़ायदे मैं आपको बता देती हूँ. आपको अगर हेयर फॉल है बहुत ज़्यादा, लाइक बाल धोते टाइम, कॉम करते टाइम, ऑयलिंग करते टाइम, जो भी है, या फिर अगर आपके ज़्यादा ये जो क्राउन पार्ट है वो थिन हो रहा है, आपको बॉल्ड पैचेस हैं, देन यू शुड ब्लाइंडली गो ऑन टू दिस बिफोर यू गो फॉर एनी ट्रांसप्लांट और एनी लाइक यू नो रोगेन और मिनोक्सिडिल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल मेडिसिन होते हैं और इसको एक टाइम के बाद जब आप यूज़ करना बंद कर देते हैं देन अगेन यू आर बैक टू द सेम पोजिशन स्लोली. लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, इनके रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म होते हैं और इसको हम रेगुलर ले सकते हैं बिकॉज इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है. सो गाइज, इसको अब लेना कैसे है, आई टॉक अबाउट इट. कि दिन में आपको 3 बार लेना है, 3 टाइम्स, बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच एंड बिफोर नाइट. तो आधे घंटे या 1 घंटे पहले ब्रेकफास्ट के, आधे घंटे या 1 घंटे पहले लंच के, आधे घंटे या 1 घंटे पहले डिनर के. आई मैनी टाइम गेट अ क्वेश्चन दैट मैम, क्या इस प्रोडक्ट से हेयर रिग्रो होगा या इस प्रोडक्ट से हेयर जल्दी जल्दी ग्रो करेगा. तो गाइस, आई वांट टू टेल दैट कि कोई भी चीज़ जब आप यूज़ करते हो ये उसका असर डिपेंड करता है आपके इंटरनल हेल्थ पे. तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितने बाल आपके सर पे हैं उसको पहले बचाना चाहिए, उसके बाद वी विल थिंक अबाउट द रीग्रोथ प्रोसेस. बिकॉज जो रीग्रोथ प्रोसेस होता है दैट इज़ अ लेट प्रोसेस, दैट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस एज कम्पेयर टू रिडक्शन इन द हेयर फॉल. एंड गाइज, यू कैन सी माई हेयर, आई फील रियली गुड आफ्टर यूजिंग दिस मेडिसिन. मेरा हेयर शेडिंग बहुत ज़्यादा कम हो गया एंड आई एम हैप्पी विद दैट. उसके अलावा मैं ऑयलिंग करती हूँ वीकली वंस और अगर टाइम मिले तो ट्वाइस. तो उसको मैं नहीं छोड़ती हूँ बिल्कुल भी बिकॉज अंदर से तो हम इसको देखभाल दे ही रहे हैं, बाहर से भी देना ज़रूरी है हेयर रूट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए. बट येस, मैं जब भी कोई ऑयल यूज़ करती हूँ, स्पेशली कोकोनट और ऑलिव, मैं इसको एक बार वार्म अप कर लेती हूँ सो दैट जो मेरे रूट्स हैं वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाए. सो गाइज, इट्स ऑल अबाउट दिस मेडिसिन. आई एम सॉरी. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब टू माई चैनल इज मस्ट, शेयर माई वीडियो अमॉन्ग योर फ्रेंड्स जिनको ये सारे प्रॉब्लम्स है, हेयर थिनिंग, बॉल्डनेस, हैवी शेडिंग ऑफ हेयर एट्सेट्रा. और ये वीडियो उनके लिए स्पेशली मैंने बनाया है जिनको हेयर फॉल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है. बिकॉज गाइस ट्रस्ट मी, मुझे भी 15-20 दिन से पहले वही प्रॉब्लम था. मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, एवरीथिंग आई हैव यूज्ड बट आई गॉट वेरी लेस रिजल्ट्स एज कम्पेयर टू दिस मेडिसिन. इट्स समथिंग लाइक यू नो इट्स अ मिरेकल टू मी. तो गाइस, आप इसको यूज़ करें, 15 डेज के बाद आप कैसा फील कर रहे हो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन. आई वुड बी हैप्पी टू रीड एंड आंसर ऑल योर क्वेश्चंस.
उसके अलावा अगर मैं आपके कोई क्वेश्चन आंसर नहीं दे पा रही हूँ बाय चांस, बिकॉज मैं तो हमेशा कोशिश करती हूँ सारे आंसर्स देने के लिए, तो आप मेरे को DM भी कर सकते हो ऑन माई इंस्टा, दैट इज़ स्टे नेचुरल, और वहाँ पे भी आप मेरे लाइफस्टाइल के बारे में जान सकते हो कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं एंड एवरीथिंग. सो गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो. स्टे नेचुरल, बी नेचुरल, एंड यस, हमेशा ऑर्गेनिक खाएं, ऑर्गेनिक ही यूज़ करें. डोंट गो फॉर द फास्ट फूड थिंग बिकॉज दे डिग्रेड योर स्टमक हेल्थ. लव यू ऑल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.